हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्व इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग वेक्टर के कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं। यहाँ पे द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 60 न्यूटन एंड देयर रिजल्टेंट इज 8√3 न्यूटन इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड द टू फोर्सेज इन न्यूटन आर। देखो यहाँ से जो दो फोर्स है उसका सम 60 न्यूटन है, तो हमने एक को पी बोला, दूसरे को क्यू बोला। अब ये बोला है कि P जो है एक छोटा है, तो हमने P को स्मॉलर एंगल मान लिया, स्मॉलर वेक्टर मान लिया। अब अगर ये P है, ठीक है, और ये जो स्मॉलर है इसके साथ जो ये रिजल्टेंट है वो 90 बना रहा है, तो ये तीसरा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम हाइपोटेनस को क्या लिख सकते हो, यहाँ से हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस को क्या कि पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, और आर अपने को पता है 8√3, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है। तो 8√3 यानी कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 और 3 जा 256 इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और आप क्या करो, इस इक्वेशन से क्यू का वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हो, 16 माइनस का पी। तो क्यू को वैल्यू इसमें 16 माइनस पी पुट कर दो, तो 16 माइनस पी का स्क्वायर और माइनस का पी स्क्वायर, तो 256 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 256, और इसका 8 8 जा 64, 64 3 जा 192 आएगा, सॉरी ये 192 आएगा, 192 आएगा, ठीक है। और ये हो गया 256, और 2AB यानी 32P माइनस का प्लस का पी स्क्वायर और माइनस का पी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको इधर लीजिए 32P, और ये हो जाएगा 256, और इधर लेंगे तो 192, तो 32p इक्वल टू यहाँ से कट के कितना आएगा 64, तो p का वैल्यू आ गया 32, 64 बाई 32 यानी 2 न्यूटन। p अगर 2 न्यूटन है तो हमने q क्या बोला, q बोला है 16 माइनस p, q बोला है 16 माइनस p यानी 16 माइनस 2 यानी कितना 14 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 14, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का एक और है, देख लो। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज इज 18। यहाँ भी वही काम करो, एक को P बोलो और एक को Q बोलो, और ये 18 दिया हुआ है अपने। अब क्या कर सकते हो, अगर एक स्मॉलर वेक्टर फिर से बोलो कि P है, और उसका रिजल्टेंट जो है ये होगा R, और ये बड़ा वाला वेक्टर होगा, इसको Q बोल देते हैं। तो फिर से यहाँ से क्या आएगा कि R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से R का वैल्यू अपने को क्या दिया हुआ है, दे रिजल्टेंट 12 है, 12 प्लस P स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से P का वैल्यू रख दो, P को क्या लिखोगे, 18 माइनस क्यू, P को क्या लिख सकते हो, 18 माइनस क्यू, तो 12 का स्क्वायर 144, और P हो गया 18 माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 144 18 का स्क्वायर कितना आएगा, 18 का स्क्वायर 180, और 18 × 18 कर लो, 144 और 14 18 10 28 324, ठीक है 324। तो 324 माइनस का 36 क्यू और प्लस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये कट जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, 448 426 इतना इक्वल टू 36 क्यू, तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 468/36, यहाँ से 1 times, और 1 times में कट गया तो बच गया कितना, 1 time के बाद ये बच जाएगा आपका 46 है,
तो 10 108 18 18 से कितने बार में कट जाएगा ये, 18 से कितने बार में कटेगा, 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स। तो q का वैल्यू अगर 13 आ गया, q का वैल्यू 13 आ जाएगा, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू हो जाएगा 13 माइनस 18 माइनस 13 यानी 5 न्यूटन, यानी ये इसके आंसर हो जाएगा, दो आंसर हो गए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।